आज गाड़ी आई है हमारे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो VLXi, जो कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं चेक इंजन की लाइट ब्लिंक कर रही है और गाड़ी का सेल्फ लग रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम इसे आज स्कैन करके देखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा स्कैनर लग चुका है और हम इसे स्कैन करने वाले हैं थिंग डाइक से अपने। हमारा स्कैनर लग गया है, स्कैनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। VLX है हमारी, VLX पे हम क्लिक करेंगे। इंजन सिस्टम रीड फॉल्ट कोड, आप देख सकते हैं ढेर सारा इसमें फॉल्ट कोड बना हुआ है। इसमें 1832 का भी कोड आ रहा है, जो कि ये इंजन लॉक का कोड होता है इमोबिलाइजर का, उसका भी कोड आ रहा है। मेन रिले का आ रहा है, वाटर इन फ्यूल सेंसर का भी आ रहा है, ढेर सारे कोड हैं। तो हम इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। हमारा क्लियर कोड कंप्लीट हो गया है, फिर से रेड किया तो ये हमारे कुछ कोड बचे हुए हैं, जैसा कि P18 3F, P1832, जो कि इमोबिलाइजर के कोड हैं। गाड़ी लॉक हो जाने पे ये कोड आता है, तो गाड़ी हमारी लॉक हो गई है। तो एक बार हम इमोबिलाइजर को भी स्कैन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इमोबिलाइजर नो ECM चैलेंज लिख के आ रहा है, तो हम इसे भी क्लियर करते हैं, देखते हैं क्लियर होता है या नहीं। तो हम क्लियर कर दिए हैं, तो हमारा इमोबिलाइजर का फॉल्ट कोड तो क्लियर हो गया है। वापस से हम इंजन का क्लियर फॉल्ट कोड कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ECM का जो कोड है वो क्लियर नहीं हो रहा है, जो इमोबिलाइजर का 1832 का कोड आया है। इसके लिए हमें जाना है स्पेशल फंक्शन में, उसके बाद यहाँ से हमें करना है ECM को अनलॉक। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ले लिया है स्कैनर। तो हम यहाँ पे यस करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली ECM जो है वो अनलॉक हो चुका है। एक मिनट के लिए बोला वेट करने के लिए इग्निशन ऑफ करके, तो हम एक मिनट वेट करने के बाद उसके बाद चाबी को लगाते हैं और देखते हैं क्या हमारी लाइट वो ब्लिंक करना बंद हुई। हाँ, एकदम सक्सेसफुली काम हो गया है मेरा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो लाइट सिक लाइट ब्लिंक कर रही थी वो ब्लिंक नहीं कर रही है और वो आके चली जा रही है। उसके बाद हम सेल्फ मार के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्फ मारते ही हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है, जो कि पहले स्टार्ट नहीं होते हुआ करती थी। गाड़ी हमारी प्रॉपर ओके हो गई है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं कैसे आ रहा है भैया।